नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। अब समाचार विस्तार से। जिला अस्पताल में दलाल घूम रहे हैं, जिसके संबंध में जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डीके ठाकुर ने बताया कि काफी दिन से देख रहा था कि जिला अस्पताल में जो मरीज आ रहे थे वो हमारे पास आकर शिकायत कर रहे थे कि जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो बाहर का लिखते हैं। जांच में पाया गया कुछ दलाल लोग जिला अस्पताल में बैठते थे और बाहर की दवा लिखते थे और मरीजों से लड़ते थे। जब डॉक्टर मना करते थे तो वो मरीजों से भी लड़ने लगते थे और मना करने पर वह दलाल बाहर के व्यक्तियों को लड़ने के लिए बुलाने लगते थे, जिस पर लगाम लगाने के लिए अपने अधिकारियों से वार्ता की और सुरक्षा की मांग की, जिसके बाद यहाँ पर दलालों का आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डीके ठाकुर ने कहा, सर इधर मैं काफी दिनों से देख रहा था कि मरीज हमारे पास आकर शिकायत कर रहे थे कि सर हमारे को जो है दवाइयाँ डॉक्टर साहब लिखते हैं लेकिन आते ही दूसरा, तो मैं कई बार चेक भी किया और उसके बाद मैंने कई वार्ड में देखा, डॉक्टरों से भी मैंने बोला कि आप अपने यहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति को जो कि कतिपय व्यक्ति जो हो उनको ना बैठाएं। और जब मैंने उसके अंदर गहराई से विश्लेषण किया तो देखा कि कुछ दलाल लोग यहाँ आकर बैठते थे और उनके बाद मरीजों से भी लड़ते थे और डॉक्टर जब मना करें तो मरीजों से भी लड़ने लगे, धीरे धीरे बाहर के लोगों को बुलाने लगे लड़ने झगड़ने के लिए। तो मैंने उस सब पे लगाम लगाने के लिए अपने तरफ से कोशिश की और साथ ही साथ मैंने अपने उच्च अधिकारियों को उनके बारे में संदर्भित कर दिया। सर क्या आश्वासन मिला? आश्वासन क्या, उन्होंने तो क्रियान्वित कर दिया इमीडिएट, मैंने एप्लीकेशन दिया उसके, हमें उम्मीद है कि आधे घंटे के अंदर से ये क्रियान्वित हो गया और जो अभी तक चल रहा है सर। अच्छा, मिल गया सुरक्षा? मैंने तो नहीं, पूरे अस्पताल की सुरक्षा की तो बात नहीं कहा मैंने कहा कतिपय व्यक्ति को देखे दलालों का आना वर्जित कर दिया गया है सर।